लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे डेरिवेटिव्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब आप लोन पे नहीं ले सकते। लेकिन दोस्तों एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो मैंने उसका इंटरेस्ट कुछ कैलकुलेट किया तो बहुत ही ज़्यादा डबल ट्रिपल अमाउंट, ट्रिपल मैं वो कहूँगा, डबल भी नहीं कहूँगा, ट्रिपल अमाउंट जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक केसरवानी, आप देख रहे हैं ऋतिक केसरवानी, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ आप सबके साथ, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुक्स एंड माई लाइफ। सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ यार, प्लीज़ ध्यान से सुनना। एंड काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है, या फिर पता होता भी है तो अंदाज़ा नहीं होता कि किस हद तक वो हो सकता है। तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज गुड लोन एंड बैड लोन। अब गुड लोन क्या होता है, बैड लोन तो समझ में आता है, क्योंकि हमारे माइंड में लोन मतलब नेगेटिविटी आता है, लोन क्यों लेना है, कर्जा क्यों लेना है। तो लोन से भी ऐसा नहीं है कि लोन ख़राब ही है, लोन को अगर हम अच्छे से यूज़ करें तो हम काफ़ी पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर वो एक बैड लोन है तो वो बहुत ही बुरी चीज़ है। जैसे अगर समझिए आपने घर लोन पे लिया है, तो वो एक अच्छा लोन है क्योंकि आपका जो घर है उसकी वैल्यू तो बढ़ने वाली है, ऐसा नहीं है कि वो डेप्रिशिएट होने वाला है। लेकिन अगर आप एक कार लोन पे लेते हैं तो वो कार जो है वो डेप्रिशिएट होने वाली है। तो अगर आप उसको लोन पे लेते हैं ना, तो आपके लोन में ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपको डबल ट्रिपल देना पड़ता है इंटरेस्ट में, एंड आपकी कार की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है। मतलब अगर आप 5 लाख की कार आज लेते हो एंड 5 साल बाद उसे बेचते हो, तो वो मुश्किल से 1 लाख तक जाएगी। सो डेप्रिसिएशन बहुत ही ज़्यादा है। एंड रियल इस्टेट की एक फ़ायदे वाली बात ये है कि आप रियल इस्टेट यानी कि घर, बंगला, फ्लैट, कुछ भी हो सकता है, वो आप यू नो लोन पे ले सकते हो। लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे डेरिवेटिव्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब आप लोन पे नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत ही खास बात है रियल इस्टेट के बारे में। लेकिन दोस्तों एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो रियल इस्टेट अच्छा तो है, उसकी अप्रिसिएशन तो होने वाली है, लेकिन वो लिक्विड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे में उसको बेच सकते हैं एंड पैसा आपके अकाउंट में, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत कुछ भी कर लीजिए, 1 घंटे में या 1 दिन में भी होना बहुत मुश्किल है। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ रियल इस्टेट। लेकिन वहीं पे जो बैड लोन होता है, वो जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल, एक कार लोन हो गया, या फिर आप आईफोन ले लो, या फिर कोई भी फ़ोन ले लो, जो भी एसेट ले लो जो डेप्रिसिएट होने वाला है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पंखा, ये कबर्ड, ये ड्रेसिंग टेबल, ये बेड जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये लैपटॉप, माउस, सब डेप्रिसिएट होने वाला है। इसकी अप्रिसिएशन मतलब कि इसकी वैल्यू बढ़ने नहीं वाली है, तो वो एक तरह का बैड लोन हो जाता है। तो वो कोशिश करिए कि वो जो चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी है लेकिन वो डेप्रिशिएट होने वाली है, तो उसको आप ट्राई करिए कि लोन पे ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि लोन में उसका आपको डबल ट्रिपल अमाउंट देना पड़ता है और उसकी एसेट की वैल्यू कम होती जाती है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा, हमेशा ही गुड लोन लीजिएगा। हाँ, कभी अगर लेना पड़ा, कुछ इमरजेंसी आई, तो ही बैड लोन की तरफ देखिए, नहीं तो उसको ऑप्शन में ही मत रखिए। सही बोल रहे। सो दोस्तों अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने अपना घर होम लोन पे मतलब लोन पे लिया हुआ है, तो मैंने उसका इंटरेस्ट कुछ कैलकुलेट किया तो बहुत ही ज़्यादा डबल ट्रिपल अमाउंट, ट्रिपल मैं वो कहूँगा, डबल भी नहीं कहूँगा, ट्रिपल अमाउंट जाता है इंटरेस्ट में। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जितना लोन लिया वो तो छोड़ ही दो, इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है। एज अ CFP एस्पिरेंट मैं ये समझ पाता हूँ, बाकी लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है FC-200V। सो उससे मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाता है यार लोन में, तो ज़्यादातर तो गुड लोन ही लें, एंड मेरा यही तो सजेशन रहेगा। एंड आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड बाकी के वीडियोज़ आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।